साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के 85वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बास्केटबॉल भी खेली जा रही है और ये जो सामने छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है ये यहाँ की पार्लियामेंट है और साथ में टेम्परेचर भी 44 के आसपास है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज, साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ भाई। अभी हम इस शहर में हैं, अभी हमने कैंप लगाया हुआ था, कैंप अपना पैक कर लिया है। सुबह के 6:30 बजे, 7 बजने वाले हो गए हैं अब तो, 6:30 बजे हम उठ गए थे और अपना पैकिंग कर लिए सारी। अब हम चलने की तैयारी करते हैं, रात को हमने गुड नाइट लगाई यहाँ पर और बस सुबह सुबह वीडियो बनाना भी याद नहीं रहा कि तंबू का अपना वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि जल्दी हो जाती है ना, यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। आज टेम्परेचर जो है वो 44 के आसपास जाएगा। अज्जू, कैसी है तबीयत वबीयत? तबीयत अच्छी है जी। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं जी, बिल्कुल फिट। तो आज हम नए देश में इंटर करेंगे एक बार में। कल भी हमने एक नए देश में इंटर किया, आज भी हमने एक नए देश में इंटर करेंगे। कल हमने सेनेगल में इंटर किया, आज हम जो है गाम्बिया में इंटर कर जाएंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में सिर्फ 100 किलोमीटर का ही 100-150 किलोमीटर का गैप है। गाम्बिया को कंप्लीट करके फिर वापस जो है हम सेनेगल में इंटर कर जाएंगे। तो आज तो सनराइज़ पीछे पीछे हो रहा है, आज तो सनराइज़ से पहले निकल गया हम। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, अब सुबह सुबह निकले हैं तो ठंड लग रही है, घंटे के बाद में इतनी गर्मी हो जाएगी कि कंट्रोल ही नहीं होगी। समझ ही नहीं आ रहा कि सुबह अर्ली राइड स्टार्ट करूँ या फिर लेट करूँ। बॉर्डर जो है 70 किलोमीटर है वो निपटाते हैं पहले। तो पिछले 50 किलोमीटर में सब कुछ चेंज हो गया भाई, प्लांटेशन चेंज होगी टोटली, बर्ड्स चेंज हो गए और लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब यहाँ पे ना ड्राइनेस आ गई है, जो ग्रीन था वो सब ख़त्म, जो कैश्यू के पेड़ थे वो कम हो गए हैं धीरे धीरे करके, और बर्ड्स जो हैं वो जैसे तंजानिया में भी क्या इथोपिया के स्टार्टिंग में थे उस टाइप के बर्ड स्टार्ट हो गए। ये भाई जूते बेचने जा रहे हैं साइकिल पे। अरे हाउ आर यू बंजौर। और अब यहाँ से जो बॉर्डर है वो लगभग 10-12 किलोमीटर रह गया गाम्बिया का, तो अभी 11:30 हुए हैं, 12 बजे तक हम गाम्बिया में इंटर कर जाएंगे और बस फिर वहाँ से 50 किलोमीटर वहाँ की कैपिटल बंजुल करके कोई कैपिटल है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कब तक पहुंच पाएंगे। आज अब हवाएं जो हैं वो तेज चल रही हैं और सामने की है क्या कहेगा आज जो? सामने की हवा है जी, परेशानी तो काफ़ी होगी और साथ में टेम्परेचर भी 44 के आसपास है। अब तो 44 की आदत सी हो गई है यार टेम्परेचर की ना, मतलब 40 से ऊपर तो आदत सी हो गई है। ह्यूमिडिटी ना होना तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी कम हो गई है, ड्राइनेस आ गई है वेदर में, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। मेरे कहने चाकू है, अब हम कुछ ये खाएंगे संतरे वंतरे से ताकि वाटर की डेफिशिएंसी ना हो। दारासलाम शरीफ, दारासलाम शरीफ। हम लास्ट गांव में पहुंच गए हैं सेनेगल के, और इस गांव के बाद में जो है गाम्बिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, गाम्बिया में इंटर कर जाएंगे। ये देखिए, ये इस गांव का जो है वो टैक्सी स्टैंड और सामने बॉर्डर है। नो सिफा, हाउ मच? I need 20,000 people. How much you give? 18,000 people. एक देश की स्टैंप लगवा ली है हमने, अब हम सेनेगल से एग्जिट हो गए हैं और अब गाम्बिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो जो एक बार बॉर्डर आ जाएगा फिर वहाँ का स्टैंप लगवा के वहाँ का सिम लेंगे, यहाँ की करेंसी चेंज करा ली है। साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के 85वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है।
अज्जू और हम पहुंच गए भाई 85वें देश में, गाम्बिया में। अज्जू सातवां कंट्री हो गया। हाँ जी। ग्रेट यार, ये गाम्बिया साइड स्टार्ट हो गया। हमें इमिग्रेशन पे जाना है। पानी की बोतल उधर है। 1000 से भाई, $90। नो, 1000 प्लीज, 1000 से भाई $90। नाह, दिस इज 1000 इज 100 एवरीवेयर। दिस इज बाय एंड सेलिंग, वी आर बाय 90 सेलिंग 95। आई जस्ट परचेज फ्रॉम दैट साइड 95। देयर इज सिम कार्ड। सिम कार्ड? सिम कार्ड नो, दैट्स नो सिम कार्ड इन दिस एरिया, नो सिम कार्ड। ओनली बिलकामा। ओनली बिलकामा। बिलकामा 86वें देश के बाद में 85वें देश में दोबारा एंट्री। यहाँ से फिर हम जो है अगली कंट्री सेनेगल में चले जाएंगे, जो कि हमारी 86वीं कंट्री है। हमने वीज़ा तो इस देश का जो है सिरेलियोन से ले लिया था, तो $20-$20 में वहाँ लिए थे, पर वही हमारे $50-$50 में पड़ गया। यहाँ पे इसने $30-$30 और ले लिए। एक लैसे पास से टाइप कुछ, मतलब इंट्री क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है इंट्री करने के लिए गाम्बिया में। फीस तो थी $120 उसकी क्लियरेंस की, अगर बाय रोड इंटर कर रहे हो तो। जिस बॉर्डर से हमने इंट्री की वो एक्चुअली ट्रांजिट बॉर्डर नहीं था, अगर दूसरे से इंटर करते तो वो ट्रांजिट बॉर्डर था। तो फिर हमने साहब को थोड़ा सा बताया कि हम साइकिल वाइकिल घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास तो 30,000 सिफाई हैं, तो माने ना 40,000 सिफा दे के आए और 50,000 के करीब दे दिए यार। हाँ, $80 दे दिए हमने, क्योंकि हमने 20,000 चेंज करवाए थे, वो भी उसी को दे दिए हमने। फिर उसने क्या किया, 20,000 में से कुछ जो है वापस निकाल के, मैंने कहा कि हमारे पास तो पानी के लिए पैसे भी नहीं छोड़े, आपने पैसे वापस दे दिया जो है। लोग कुछ पैसे पानी के लिए, खाने के लिए वापस दिए ना, एहसान कर दिया उसने। तो तेरे को क्या लगा था कि ये एंट्री नहीं देगा? हाँ, कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए एंट्री डॉक्यूमेंट। अच्छा, कहीं कुछ अगले पासे की तरह कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। कह रहा था ना पहले आप उसको बंजोर से बनवा के लेके आओ, फिर एंट्री करो। तो भाई ये हुआ, वीज़ा था तो एंट्री मिल गई। सेनेगल का तो कोई इशू ही नहीं है, सेनेगल वाले तो बस आते स्टैम्प मार देते हैं, जाते स्टैम्प मार देते हैं, वो तो वीज़ा फ्री कंट्री है इंडियंस के लिए, और ना ही वो बेचारे तंग करते। खैर, हम कंट्री के अंदर इंटर करके बांजुल जो कैपिटल सिटी है वो यहाँ से 50 किलोमीटर है बॉर्डर से, तो हम वहाँ जाएंगे। 1 बज गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब तो राइड करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो रहा है। तो देखते हैं कितने किलोमीटर चला जाएगा, फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। इन आम के पेड़ों के नीचे गरम गरम हवा में हम जो है अभी कुछ हमने खाया पिया है और चलने की तैयारी है, क्योंकि 4-5 किलोमीटर जो है हवा हमारे फेवर में रहेगी, तो हम चाह रहे हैं कि वो 5 किलोमीटर हवा फेवर के हम मज़े लें। क्यों जो बाल बड़े हो गए तेरे, दाढ़ी वाड़ी सब, मतलब हालत। चलो कोई नहीं, अभी तो 300 किलोमीटर हो रहा है दाकार, 300 किलोमीटर में पहुंच जाएगा। ये गाम्बिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया भाई, बस ये मेन रोड है। अभी मेन सिटी जो है 10-15 किलोमीटर रह गई है। क्या बात है, गेट तो ज़बरदस्त बनाया भाई ने, बांजुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक फ्लाइट भी खड़ी कर दी बाहर। तो गाइस, हम पहुंच गए कल भाई के पास में। भाई मोंटी भाई हैं, वैसे तो हम तो मोंटी बोलते हैं प्यार से, वैसे संतोष भाई हैं। तो संतोष भाई कैसे हैं? संतोष भाई मनीष एंड सनी भाई के बड़े भाई हैं। तो मनीष और सनी भाई से आप एक वीडियो में मिले थे, तो थोड़ा सा इंट्रो दे दो भाई। माय नेम इज संतोष, आई एम फ्रॉम कोल्हापुरी महाराष्ट्र। यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं भाई, यहाँ पे छोटा सा बिजनेस है। और हरियाणा वालों का और कोल्हापुर का एक खास रिलेशन है, हम सब कुश्ती लड़ने और कबड्डी खेलने के लिए कोल्हापुर जाते थे, हमारे पूर्वज जो थे ना स्पेशली कोल्हापुर जाते थे, क्योंकि कोल्हापुर का वेदर कहते हैं कि रेसलिंग के लिए सबसे बढ़िया वेदर माना जाता है, और वहाँ का गुड़ और शक्कर। करेक्ट।
और ये दोनों को वॉश कर लिया है, बाकी सारा सामान अंदर रख दिया है। और अभी हम जो है हमारे यहाँ पे पड़ोस में भाई हैं उनके घर पे जा रहे हैं लंच करने पे, और लंच करके फिर हम वापस आएंगे। तो और कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा मैं सिटी टूर भी कराऊँगा। आगे हमारे दीपक भाई हैं, तो दीपक भाई तो है नहीं, इंडिया गए हुए हैं। जो पीछे शॉप दिख रही है लाइट वाइट की, ये सब इंडियंस की हैं। यहाँ पे काफी इंडियंस ने शॉप करे हुए हैं। मेनली किस चीज का काम करते हैं भाई यहाँ पे? यहाँ पे इनकी बिल्डिंग मटेरियल्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह? इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ काफी है, मैंने देखा यहाँ पे छोटा देश होते हुए भी काफी इंडियन रेस्टोरेंट। टेक्सटाइल का मार्केट भी है, इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में बहुत सारे है यहाँ पे। वो यहाँ वाला कपड़ा सेल करते होंगे ना? कन्फेक्शनरी नहीं, इंडिया से इम्पोर्ट करते है, वैक्स वगैरह। ओके ओके ओके। कन्फेक्शनरी का वगैरह भी है वहाँ पे, फूड स्टफ में भी है इंडियन। ओके, मैंने देखा कल कोई बालाजी वाटर था, हमने बहुत पानी की बोतल ली, बालाजी वाटर। पानी की भी बहुत सारी कंपनी है, इंडियन कंपनी है वैसे। नाउ वी आर गोइंग टू बांजुल। है बांजुल थोड़ा सा इधर पड़ जाता है, बिल्कुल कोस्ट पे बांजुल है, बांजुल कैपिटल सिटी। ये बालाजी, जय बालाजी। बालाजी और ये पानी वाला बालाजी अलग है। अच्छा, ये अलग है दोनों। ये पार्ट को गांबिया के ये कनेक्ट करने का पुल यही है मेन। अच्छा, दोनों। हाँ, तो अगर ये टूट जाए तो इनका बांजुल से कोई अटैच में नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, वो उनको बोट यूज करनी पड़ेगी। इधर भी समुंदर है और इधर भी समुंदर है, सिर्फ एक ये पुल है। यहाँ पे रुकने के लिए, फोटोग्राफी के लिए वहाँ पे वैसे वो परमिशन नहीं देते हैं। ये यहाँ की नेशनल असेंबली है, संसद भवन। ये अच्छा है, छोटी सी है बट प्यारी बना रखी है। तो इसको बोलते हैं बांजुल आर्च, ये मेन गेट है, गेटवे ऑफ बांजुल बोल सकते हो आप इसको। ऊपर जाने का है इसमें, देखते हैं टिकट मिल रही है कि बंद हो गई है। स्टेडियम सा बना रखा है, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कोई प्रोग्राम होते हैं। अब जो है टॉप पे खड़े हैं बांजुल के, तो ये इतना सा एरिया जो देख रहे हो आप, ये सिर्फ बांजुल सिटी है, ये कैपिटल सिटी है यहाँ की। समुंदर है, ये समुंदर में सिर्फ एक पुल से हम क्रॉस करके आ रहे हैं, और ये पोर्ट है, सी पोर्ट, और वहाँ सामने से एक फेरी जाएगी जो कि हमें वहाँ उतारेगी। वहाँ जाके हम 25 किलोमीटर और चलेंगे और फिर हम सेनेगल में एंटर कर जाएंगे। तो जो टोटल चौड़ाई है वो तो 50 किलोमीटर भी नहीं हुई है गांबिया की, है ना? और लंबाई कितनी? 500 किलोमीटर लगभग है, बहुत ज़्यादा है वैसे इंटरनल गांबिया वैसे। लंबा लंबा अंदर ही अंदर है ना। यहाँ के लोग फुटबॉल के तो दीवाने हैं, यहाँ तो बास्केटबॉल भी खेली जा रही है। और ये जो सामने छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ की पार्लियामेंट है, बस ये मेन बिल्डिंग है। कुछ जो है मिनिस्ट्री है वो सारी इधर है, मेन बांजुल जो है ये यहाँ पे ही है, बस इतना। ये देखिए, वो वहाँ पे एक पुल स्टार्ट होता है, उससे इधर इधर का सारा एरिया बांजुल है। जो सामने दिख रही है वो छोटी सी बिल्डिंग, वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। जाम्बिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 18 लाख के करीब है, और यहाँ पे जो रिलीजन की बात करें तो 98% जो है मुस्लिम है, और 1% अहमदिया मुस्लिम भी है यहाँ पे। और बस 50 किलोमीटर की चौड़ाई है और 450 किलोमीटर की लंबाई है, तो एक बिल्कुल पतली सी रो है। ये गांबिया रिवर है, गांबिया रिवर के दोनों तरफ का थोड़ा थोड़ा एरिया इनको दिया गया था 1600 कुछ में इनको दिया गया था, क्योंकि पहले ये जो दोनों तरफ थी फ्रेंच कॉलोनी थी, बीच में जर्मन इसको ब्रिटिशर को थोड़ा रास्ता चाहिए था, इसलिए ये बीच में से रास्ता दिया गया था, और बाद में ये ब्रिटिश के अंडर रहा 200 साल तक। ये 1965 में शायद 18 फरवरी 1965 में ये जो है आज़ाद हुआ जाके। ये सब 100 साल पुराने घर हैं, काफ़ी पुराने, जो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए, वही घर अभी यूज़ किए जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, या पुराने ट्रेडिंग हब होते थे। नंद इंटरप्राइजेस, सब इंडियंस की शॉप है ये, सब इंडियंस की शॉप है। इंडियंस
मैं और रज्जू अब यहाँ के बीच पे घूमने आ गए यार, थोड़ी देर हम घूम फिर के और बांजुल को करेंगे बाय बाय कल सुबह, और रज्जू खुद भी बाय बाय करने की तैयारी कर रहा है। रज्जू वापस जा रहा है सेनेगल से, तो फिर हम दोबारा वैसे ही हो जाएंगे अपने, फुटबॉल खेल रहे हैं मस्ती से, ये चाइनीज़ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अरे वाह यार, बहुत अच्छा बीच है ये। अभी हम कौन से बीच पे आ गए? लेबाटो बीच। अच्छा ठीक है, उससे आगे सीधा जाएंगे तो वहाँ पे आएगा कोटू बीच। हाँ, उससे सीधा आगे थोड़ा जाएंगे तो सेनेगाम्बिया बीच आएगा। सेनेगाम्बिया? सेनेगाम्बिया बीच, मतलब वो रेस्टोरेंट वगैरह वो साइड है। अच्छा अच्छा, तो ये पूरी बीच लाइन है सब। ये बहुत खूबसूरत बीच है यहाँ पे, स्पेशली गाम्बिया के बीच कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन वेस्ट कोस्ट। और अभी इस खूबसूरत सी हवा के अंदर बैठे हैं लोग, अपना फुटबॉल खेल रहे हैं मस्ती से, और अब हम वापस चलने की तैयारी करते हैं और डिनर करेंगे। ये इंडियन रेस्टोरेंट है कोई, तो जहाँ पे मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। ये बैंड वाले आए हुए हैं यहाँ पे, हम आए हैं गाना गाने, होटल के बाहर बैंड बाजा बज रहा है। ये यहाँ की मेन मार्केट है, मैक्सिमम टूरिस्ट जो है यहीं पर आते हैं, और ये मैंगो करके कोई इंडियन किचन है, और ये पूरी मार्केट में बार और सब कुछ यही है।